अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बिल्कुल सही बोल रही। आज पहली बार मैं मलिष्का से सहमत हूँ, वो भी पहली बार। पहले भी सहमत हुई थी लेकिन उस वक्त लग गया था। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो मलिष्का, प्लीज अपने परिवार के साथ रहो और खुश रखो सबको। ओ प्लीज मलिष्का को तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं और ना हमें तुमसे अच्छाई के सर्टिफिकेट की, समझ रही हो तुम? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं लक्ष्मी, तुमने पारो के बारे में झूठ क्यों बोला हमसे? उसकी वजह और काफी सारी वजह, लेकिन उसकी पहली और सबसे बड़ी वजह है ऋषि। ऋषि मुझे नहीं लगता कि ऋषि एक पिता का फर्ज निभाने लायक है। मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छा पिता बन सकता है। मुझे नहीं लगता कि एक पिता को जो जो करना चाहिए उसे वो करना। अरे बस, क्या बोलने जा रही हो? कुछ भी, मैं एक अच्छा पिता बनने के लायक नहीं हूँ। बोल क्या रही हो? तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मैंने रोहन की कितने अच्छे से परवरिश की, उसे कितने अच्छे से बड़ा किया। मेरी बातों पे तो विश्वास है ही नहीं तुम्हें, पारो की बातों पे है ना? वो ऐसी डैड कह के नहीं बुलाती है मुझे। इतना प्यार वो मुझसे करती है ना, तो वो प्यार मैंने कमाया है। मैं हूँ अच्छा डैड, आई एम अ गुड फादर। अपनी बेटी के लिए जान भी दे सकता हूँ, इसलिए अपनी बातों को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ना कुछ भी बोलती मत जाओ। ऋषि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना, वो सब कुछ मैंने सहा है और देखा है। तुम्हारे साथ रहकर ये सब अनुभव किया है मैंने। रियली? हाँ रियली, मुझे भी यही लगा था कि तुम सबसे अच्छे पति हो, दुनिया के सबसे अच्छे पति। भरोसा करती थी तुम, प्यार करती थी तुमसे। वजूद बना लिया था तुमने। मेरे बाबूजी ने कहा था कि मेरा जीवन साथी, मेरा साथी और मेरा सारथी होगा, पर वो सब माना मैंने तुम, लेकिन तुम वो सब नहीं हो ऋषि। तुम सिर्फ छलावा हो, तुम सिर्फ लोगों को यकीन दिलाते हो कि तुम उनसे प्यार करते हो, कि तुम उनकी परवाह करते हो, बल्कि असलियत में सब। लक्ष्मी मत बोलो ऐसा, ऐसा कुछ मत कहो कि बाद में जाके तुम्हें ही पछतावा हो। प्लीज, मैं नहीं चाहता आगे चल के तुम्हें पछतावा हो इस बात का। तुम्हारा दिल तड़पे तो ऐसी कोई भी बात मत करो जिससे तुम्हें प्रॉब्लम। मैं वही कर रही हूँ जो एक माँ होने के नाते मुझे करना चाहिए। मैं एक माँ हूँ और अपनी बेटी की खुशियों के लिए, उसकी भलाई के लिए मैं कुछ भी करूँगी। क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये सब कैसे हुआ? मैम बच्ची बोरवेल में कैसे गिरी, ये हादसा कैसे हुआ? आप लोग देख रहे हैं ना यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग की क्या हालत है। आप प्लीज जाइए यहाँ से। प्लीज प्लीज मैम, बच्ची को किसी ने धक्का दिया या आप? नो फोटोस, हटिए यहाँ से। अरे शर्म करो, हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और आपको हमारे रिएक्शन चाहिए चाहिए प्लीज। अरे यार आयुष कितनी देर लगेगी? आयुष कितना टाइम लगेगा? मेरी बात हुई, वो लोग आ रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? अभी अभी तो पारो हमें मिली है और अभी ये अभी मिली है वो हमें और वो हमें फिर से मिले। हम कुछ नहीं होने देंगे उसे, पारो को कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी कहाँ रहेगी? अरे पर मुझे तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रहा है कि हमारी इतनी स्मॉल पारो इतने बिग गड्ढे में कैसे फॉलिंग हुई। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। हम लोग पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे तो मेरा पैर फिसल गया, पर पारो ने मुझे बचा लिया। जब पारो गिरी तो मैं बचा ही नहीं पाया।
ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। नहीं रोहन बेटा, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो भी हुआ है ना, ये लक्ष्मी की वजह से हुआ है, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। हाँ, मैंने खुद देखा था, मैंने खुद सुना था कि लक्ष्मी ने आप लोगों को बाहर खेलने के लिए बोला ना, कि ना ये लोग बाहर आते, ना ये सब कुछ होता, ये लोग अंदर होते, अंदर होते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लक्ष्मी ने बाहर भेजा खेलने के लिए। तो इसलिए बोल रही हूँ, सही सब जो भी हुआ है ना, पहले रोहन गिरा, फिर पारो गिरी, ये सब कुछ लक्ष्मी की वजह से हुआ और किसी की वजह से नहीं हुआ। व्हाट मलिष्का, ये तुम क्या बोल रही हो, तो पागल हो गई हो क्या? इसमें दी की कैसी गलती है? बच्चे तो यहाँ खेल रहे थे ना, तुम कुछ भी बोल रही हो। और मतलब कुछ भी बके जा रही हो? अरे ये बच्चों के खेलने की जगह ना, बच्चे देखो उसे। अरे पर बच्चे यहाँ नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलने जाएंगे? और आप लोग एक बार टेल करो ना, इतने बिग बंगले में ये खड्डा बीच में कहाँ से आया? टेल करो ना। वो दरअसल जब हमने ये जगह ली थी ये घर बनाने के लिए, तो पुराना बोरवेल पहले से ही था, हमने तो उसे बंद करवा दिया था। ये कैसे हुआ ये पता नहीं। आप लोग कहाँ पर है, कहाँ तक पहुँचे? प्लीज प्लीज सर जल्दी कीजिए, प्लीज प्लीज। हाँ जी, कितनी देर में आ रहे? संभाल के। नहीं लक्ष्मी, मुझे क्यों एटीट्यूड दिखा रही है? अभी भी तो हेल्प करने आया था, शायद रस्सी नहीं मिली होगी। बहुत गहरी है, रस्सी पारो तक पहुंच ही नहीं पाएगी। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? कहां हैं आप लोग? अपने भाई क्यों नहीं है? पारो मेरी बच्ची बोरवेल में गिर गई, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? जवाब ही नहीं दे रही है वो। बाबा आयुष, पता नहीं कितना टाइम वाला आएंगे भाई ये लोग। फोन दो, टॉर्च ऑन कर। दीप दी, आराम से, आराम से। मामी 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 दीप, लक्ष्मी लक्ष्मी तो शांत हो जा, आगे पहुंच रही है लक्ष्मी, कुछ नहीं होगा, पारो कुछ नहीं होगा, पारो तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे आप होश में तो है, कैसे बातें करिए आप? ये हमारे घर का मैटर है, आप बीच में मत बोलिए। ये आपके घर का मैटर है, वैसे हमारे घर का भी मैटर है, क्योंकि हमारे घर का सदस्य इसमें शामिल है, अंडरस्टैंडिंग? अपने घर के सदस्य की गलती भी समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, पारो को यहाँ खेलने के लिए इस लक्ष्मी ने भेजा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।